हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपोज पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट इंग्लिश का सैंपल पेपर, जो कि आपके अर्धवार्षिक पेपर में आने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे इस वीडियो में, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। सभी को अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, लास्ट में कमेंट एक जरूर डाल देना कि इस क्वेश्चन को आप दोबारा या अच्छे से समझा दीजिए। मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे से समझाने की, ठीक है। और बाकी एक चीज और आपको बता दूं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और देखो, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी नोटिफिकेशन होता है आपके क्लास से रिलेटेड, वो आपके पास जरूर पहुंच जाता है। तो देर ना करते हुए चलते हैं सीधा आपके क्वेश्चंस पर, ठीक है। यहाँ और दोबारा बोल देता हूँ, जितने क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और स्क्रीन को मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ फुल साइज में, ताकि आप इजी और आराम से देख सकें। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो आता है आपका एक पैसेज आता है, पैसेज फॉर नोट मेकिंग, ठीक है। नोट मेकिंग यहाँ पे बनाता है। इसमें क्या करना होता है, आपको एक पूरा पैसेज दिया होता है, जैसे आपका फर्स्ट नंबर अनसीन पैसेज होता है, जैसे आप इधर देख पा रहे होंगे। आप जाते उस पूरे पूरे पैसेज को पढ़ करके, ठीक है। और उसमें उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है। सिंपली आपने ये अगर ये पूरा पैसेज पढ़ लिया, ठीक है, अगर आप इसको पैसेज को पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसी पैसेज में से आपको क्या करना है, आपको नोट बनाने हैं, ठीक है। टॉपिक बनाना है, मतलब मेन हेडिंग बनाना है, फिर सब हेडिंग बनाना है। देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, पहला यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बोला है इसमें ए नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है जो आपने ऊपर ये पढ़ा, इसको आपने क्या करना है, नोट बनाने हैं। तो जैसे नोट मेकिंग में आ गया, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने डाल दिया सिनेमा आ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आ चीपेस्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा गुड पास टाइम, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ हॉल्स। तो मेन हो गया इसमें क्या, मेन हेडिंग हेडिंग हो गया कौन सा, सिनेमा सोर्स ऑफ आ एंटरटेनमेंट, इसके अंदर ही आपके सब सब हेडिंग हो गए तीन तीन। ऐसे आपने सेकंड हेडिंग डाल दिया सिनेमा एज एन इंडस्ट्री, तो ये सेकंड हो गया। उसके बाद नीचे इन्होंने 2 आपके डाल दिए, ऐसे थर्ड, इसके बाद फोर्थ। तो आप मैक्सिमम 3 बना देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो नोट मेकिंग में, सॉरी, इसमें सिर्फ इतना ही आपको करना है नोट मेकिंग करने में। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे भी आपको पूरा एक दे रखा है, नहीं ये उसी का ही हिस्सा है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक समरी लिखनी है। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देख पा रहे होंगे, ठीक है, अभी दिखा दे, देखो यहाँ पे बी नंबर आप देख पा रहे होंगे, मेक अ समरी ऑफ, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, मेक अ समरी ऑफ द पैसेज इन 80 वर्ड्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल टू इट। मतलब आपने एक पूरा पैसेज तैयार करना है इस पैसेज को पढ़ करके, और क्या करना है, उसको एक आपने नाम भी देना है, यानी जैसे आप शीर्षक देते हैं हिंदी में, वैसे उसको आपने एक क्या देना है, शीर्षक भी देना है। तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, उसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन साइज छोटा कर लेता हूँ। तो ये पूरा पैसेज आप पढ़ पा रहे होंगे, इसमें आप देख पा रहे होंगे कैसे, ठीक है, देखो शीर्षक नीचे इन्होंने लिख दिया सिनेमा अ न्यू सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ये आपने देखा था कि मेन इसका हेडिंग भी बना रखा था, और इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, सब हेडिंग भी, सॉरी सब हेडिंग बोलो, शीर्षक भी आप इन्होंने इसी को बना दिया है। तो यहाँ पे आप पूरा पढ़ पा रहे होंगे समरी को। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड आएगा नोट मेकिंग के लिए, तो उसका आंसर आपने इस तरह से देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट पेज पर। इसमें आपको क्या करना है, लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन, आपको पता ही होगा किस तरह से लिखते हैं, आपने क्लास 10th में भी एग्जाम दिया है। तो यहाँ पे जैसे देखा है, पूजा इज द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ एबीसी स्कूल करनपुरा देहरादून, शी इज आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन इन हर स्कूल फॉर द स्कूल मैगजीन, राइट दिस रिपोर्ट विद ऑल नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम चीफ गेस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स। तो चिल्ड्रंस डे पर आपने क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो जो जैसे जैसे आपके स्कूल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट हुआ, वैसे वैसे करना है। तो बस आपने देखो, ये दिखाने का मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको पैटर्न पता चल जाए कि किस तरह से आपने नोट मेकिंग करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है। तो बस अगर आप उतना समझ गए, तो आप किसी भी टॉपिक को इजिली आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले उन्होंने हेडिंग डाल दिया चिल्ड्रंस डे, उसके बाद अपना नाम लिख दिया पूजा, और क्या है वो सेक्रेटरी लिख दिया उन्होंने, फिर उसके बाद क्या टाइटल किस जगह पर है वो भी उन्होंने पूरा लिख दिया है। उसके बाद अंदर का मैटर आप क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता उनको, ठीक है। तो इतना आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप हेडिंग डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं कि उसने किस तरह से इसका आंसर दिया है, ठीक है, किस तरह से उसने रिपोर्ट पूरी तैयार की है, ठीक है। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको अलग से आपको एक वीडियो दे दूंगा समझाने के लिए, एक बार इसको आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके।
ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, डिस्क्राइब पैसिव वॉइस। आपको यहाँ दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में कहा है, गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय अ पर्सन हु वांट्स टू प्रिपेयर टी। यानी कोई चाय बनाना चाह रहा है तो उसको आपने कैसे बताना है कि किस तरह से चाय बनाई जाएगी, तो उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं आपने। तो इंस्ट्रक्शन देखो, हम सिंपली क्या बोलते हैं, पुट अ केटल कंटेनिंग वाटर ऑन अ स्टोव। यानी एक उसमें आप किसमें, केटल में पानी रख दीजिए स्टोव के ऊपर। उसके बाद फिर कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं, वही आपको यहाँ पे तैयार करना है। तो सिंपली यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। और इसको आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, एक बॉक्स के अंदर इस तरह से आपने इसको अच्छे से पूरा स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आने वाला आपके एग्जाम में। अब देखो, प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी, ऊपर आपको इस तरह से क्या दे दी है, हेडिंग दे दी है, और इसी हेडिंग से आपने क्या कर देना है, एक पूरा पैसेज तैयार कर देना है, जैसा आप ये नीचे देख पा रहे हैं। इस तरह से देखो, यहाँ पे वाटर इज अ टेकन इन अ केटल विच इज पुट ऑन अ स्टोव एज अ टीस्पून ऑफ टी लीव्स इज एडेड व्हेन वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। यानी जब चाय पानी उबलना शुरू हो गया तो उसमें हमने क्या कर डाल दी, चाय पत्ती डाल दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, इसमें आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट द यूज ऑफ क्रैकर्स ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। ठीक है, राइट आर्टिकल। अब यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, मेन है कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पे आप देख लेंगे। किस पर लिखना है, बैन क्रैकर्स, ये आपको आर्टिकल दे दिया। देखो यहाँ पे एक अलग से स्पेशल ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि इस पर आपने क्या करना है, एक तैयार करना है क्या क्या बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल तैयार करना है तो किस तरह से लिखना है आर्टिकल, वो बस आप यहाँ पे क्या देख लेंगे, उसका लिखने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद फिर किस तरह से क्रैकर्स का यूज नहीं करना चाहिए वो यहाँ पे आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आपको लेटर लिखना है, यू आर सुधीर सीमा ऑफ नैनीताल, राइट अ लेटर टू द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नैनीताल कंप्लेनिंग अबाउट बैड लॉज एंड हॉर्डर सिचुएशन इन द सिटीज। तो यहाँ पर भी मैं वही चीज फिर से बोलूंगा कि पैटर्न देख लेना है आपने अंदर क्या लिखा, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सारा जो मैटर आप ऊपर देख रहे हैं ये सब आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना आप देख रहे हैं ये सारा आपको वही क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। तो बस मेन आपको यही ध्यान रखना है, बाकी अंदर का मैटर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या मिला होगा, बाकी अंदर ये आप खुद अपने आप भर सकते हैं बना करके। ठीक है, और लास्ट वाला एक आपने देख लेना है कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, किस तरह से लिखा हुआ है, और आपने इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखो, अब ये जो आपका है ग्रामर सेक्शन, मेन इसमें क्या बनना है, यूज करना है किसका, द एन ए, इसको आप बोल सकते हैं डिटरमाइनर्स। ठीक है, डिटरमाइनर्स का यूज करना है। अब इसमें कहाँ पे क्या आने वाला है वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले देखो, आप आंसर आप यहाँ देख लोगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो पहला वाला देख लेते हैं, पहले वाले में क्या आने वाला है, जैसे यहाँ पे है देखो, विथ और ए नंबर डाल रखा है, यानी ए नंबर में आपको विथ रोमांटिक, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, विथ द रोमांटिक, यहाँ पे आप भर देंगे टी एच ई, विथ द रोमांटिक मूवमेंट देयर वाज, आ जाएगा एन। अब देखो यहाँ पे आई वॉवल से स्टार्ट हो गया, आई 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 ए ई आई यू वॉवल्स होते हैं तो उनके साथ हमेशा क्या लग जाता है, एन लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। इंक्रीज्ड हिस्टोरिकल सेंस। एंड सी नंबर पे देखो आपका क्या आ जाएगा, ए। अब यहाँ पे एन आया था क्योंकि वॉवल्स था इसका अगला नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट क्या लेटर, उसके बाद सेंस। एंड अब यहाँ पे आ जाएगा ए, कीन इंटरेस्ट इन। डी नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, डी नंबर पे आ जाएगा कीन इन द पास्ट, उसके बाद एंड दिस एज इस्टेब्लिश्ड। ई नंबर पे आपका आ जाएगा ए, ठीक है, और क्लोज्ड रिजेम्बल विथ, एफ नंबर पे आ जाएगा द, ठीक है, द एलिजा विथ एलिजाबेथ लाइफ एंड लेटर्स। नेक्स्ट आपका चलते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पे आपका सेम टू सेम आने वाला है, इसको कर लेता हूँ क्लीन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें क्लियर से दिख नहीं रहा है और लगातार लाइट भी पड़ रही है रोशनी। तो इसी का सेकंड नंबर में आप देख लोगे, कंप्लीट द पैसेज विद द सुटेबल डिटरमाइनर्स। तो इनके आंसर भी यहाँ नीचे लिखे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन सबके भी नीचे आंसर लिखे हैं, इनको आपने यहीं से देख लेना है। ठीक है, आंसर को
ये वाले, ठीक है, ये आंसर है। नीचे ए बी सी डी ई एफ जी करके पूरा आंसर लिखा हो, तो यहीं से आपने इसको भर लेना है। वीडियो को रोक करके अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। अभी आपको क्या करनी है, आपने प्रॉपर फॉर्म भरनी है। अब प्रॉपर फॉर्म आपकी क्या होती है, अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप इसको भरेंगे, और इसका आंसर भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। प्रॉपर फॉर्म यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट नंबर दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर में आपको प्रॉपर फॉर्म्स भरनी है। तो इसमें दे रखा है वंस देयर वाज अ किंग, ठीक है, वंस देयर वाज अ किंग। इसका जो फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, वो मैं यहाँ पे आपको भर देता हूँ। देखो जो मैंने पेपर बनाया है उसका सॉल्यूशन भी मेरे साइड में था, इसका उस समय मैं नहीं बना पाया था। अब देखो इसमें जैसे है ही नो, तो यहाँ पे जैसे ही नो आया था, यहाँ पे आ जाएगा ही वाज नोन, ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा ही वाज नोन फॉर हिज बिनोवोलेंस एवरी डे ही फीड। अब देखो नेक्स्ट जो है आपका फीड, और यहाँ पे आ जाएगा ही फैड, ठीक है, एफ ई डी फैड। द हंग्री एंड, एंड के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखो जो दे रखा है क्लोथ्स दे रखा है, ठीक है, क्लोथ्स की जगह पे आ जाएगा आपका क्लोथ्स, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपने ई क्या एस हटा करके डी लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसी के, देखो टेक, अब टेक की जगह क्या आ जाएगा, आप जो टेक की जगह पे आ जाएगा टुक, ठीक है, टी डबल ओ के टुक। उसके बाद डू है, डू की जगह पे आ जाएगा आपका डूइंग। अगर आप बोलेंगे तो उसको मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा, ठीक है, बट मेन इसमें क्या है, एक यही वाला आप याद कर लेंगे तो हो सकता है यही आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। उसके बाद लव है, लव की जगह आ जाएगा लव, ठीक है, एल ओ वी ई डी, ठीक है। तो ये था पूरे का सॉल्यूशन, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं ताकि इसको आप याद कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर। इसमें आपको बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे नाउन क्लाउज बनना है, और उसके बाद एडवर्ब क्लाउज बनना है, और उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस दे रखा है। तो इसका आप देख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर में देखो जो आपका आ जाएगा इसमें आंसर, इसका आंसर भी मैं यहाँ पे आपको भर के दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप फिर कमेंट करके बोलोगे कि सर इसका आंसर आई कैन नॉट बिलीव। देखो इसका आई कैन नॉट बिलीव का आ जाएगा बच्चों दैट ही वॉन्ट कम, ठीक है, आई कैन नॉट बिलीव दैट आ जाएगा, दैट ही वॉन्ट कम, दैट ही वॉन्ट कम, ये आपने याद कर लेना है। ही वॉज मिसरेबल, ही वॉज मिसरेबल सिंस ही वॉज अटैक्ड, सिंस ही वॉज, सिंस ही वॉज अटैक्ड, पूरा लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, बाय द एनिमी, यहां पे आ जाएगा एफ आई ई आर सी ई एल वाई पार्ली बाय द एनिमी, ये आपने भर देना पूरा यहाँ पे। उसके बाद थर्ड नंबर जो है देयर वाज अ लुक ऑफ ट्रायम्फ ऑन हिज फेस, और यहाँ पे आपको क्या करना है कंपाउंड सेंटेंस करना है। तो इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या आ जाएगा, एंड वी वेलकम्ड हिम, यहाँ पे आ जाएगा एंड वी वेलकम्ड हिम आ जाएगा, वेलकम्ड हिम, ठीक है। तो ये था इसका पूरा सॉल्यूशन, और अगर कोई चीज में आपको अगर पूरा डिटेल से जानना हो तो मैं इसको दोबारा बता दूंगा, तो इसको कर देता हूँ क्लीन। इसको भी आपने स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है पूरा। नेक्स्ट वाले यहाँ पे आपको ए बी सी तीन दे रखे हैं, इनको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कहा द डॉग हैज बीन शॉट डेड, द डॉग हैज बीन शॉट डेड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का, द डॉग हु वेंट मेड हिज बीन शॉट डेड, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबी लाइन है तो लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो लेंथ हो जाएगा, तो इस तीनों का आंसर मैं लास्ट में दे दूंगा आपका, ठीक है, लास्ट में आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको बोला है फिल इन द अप्रोप्रिएट मॉडल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको मॉडल यूज करना है, तो ये भी मैं आपको यहीं पे पढ़ के दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट शॉर्ट है, छोटे छोटे हैं, इनको मैं यहीं पर जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। पहला नंबर द स्ट्रगल इज टू क्योर डिजीजेस सो दैट पीपल लिव लॉन्गर, ठीक है, ये आपका लिव लॉन्गर यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट में मे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा मे, एम ए वाई। सेकेंड वाले में क्या हैड सी कम अ फ्यू डेज अर्लियर शी, उसके बाद सेकेंड वाले में आ जाएगा वुड, डब्ल्यू ओ यू
एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आ जाएगा, थर्ड वाले में, इट टू बी आउट ऑफ जार बाय नाउ, सी नंबर है, सी नंबर में आ जाएगा ऑट, ओ यू जी एच टी। डी नंबर है सम पीपल, यहाँ पे आ जाएगा कैन, सी ए एन, ठीक है, ये भर लेना आपने। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। और नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मॉडल्स बनने हैं, तो इनको मैं भर देता हूँ यहाँ पे, किरण एंड सरिता की कन्वर्सेशन दे रखी है, किरण एंड सरिता की, तो ए नंबर में आपका आ जाएगा कैन, कैन। बी नंबर में आ जाएगा आपका कांट, सी नंबर में आ जाएगा मस्ट, सी नंबर में मस्ट, और डी नंबर में आ जाएगा विल। इनको आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अभी आ चुका है आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रामर सेक्शन हो चुका है खत्म, इनको अब आपने देख लेना है। यहाँ पे अब आपको क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपने याद करने हैं। देखो ये पूरा पेज, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन लेने में बहुत टाइम लग जा रहा था, तो इसलिए मैंने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन रख लिए। तो यहाँ पे आपने सिर्फ पहले क्वेश्चन को आपने देख लेना है, यहीं से आपने पढ़ लेना है और इसको याद कर लेना है। पहला, और व्हाट हैज नो चेंज ओवर ईयर्स, ओवर द ईयर्स, एक इसको, इन दोनों क्वेश्चन को आपने याद कर लेना है, और एक ये सेकंड नंबर, ठीक है। स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद कर लेना है। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आंसर एनी टू आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इनमें आपको कौन कौन से याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ये पहला वाला याद कर लेना, ठीक है, गोल्ड फिंच एंट्री, ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर देख लेना आपने। हाउ डज द लेबनम टॉप अपीयर इन सितंबर, एक है सेकंड, और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपने देख लेना है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अबाउट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द पोयम, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को आपने देख लेना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है आपका, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए, तो यहाँ पे आप कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। देर आर टू वॉइस इन द पोएम, वाई डू दे बिलोंग टू, अब इसको नहीं याद करना है आपने, सेकंड वाले को देखना है, वाई, सॉरी, व्हाट डज द परहैप्स स्टैंड टू टेल मीन, फिर उसके बाद है ये वाला ट्रांसलेशंस, और उसके बाद है थर्ड, मतलब फोर्थ नंबर, यानी पहला, सॉरी, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को आपने देख लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपने देख लेना है फर्स्ट नंबर, कौन सा देखना है आपने, ये फर्स्ट वाला, यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करने के लिए आ रखा है, तो ये पूरे को आपने अच्छे से पढ़ लेना है पूरा डिटेल में, और ये आपका लॉन्ग टाइम में आएगा क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ पे भी आपको तीन चार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से कौन कौन से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपने कंफर्म करने ही करने हैं। एक तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है वो, और उसके बाद एक आपने देख लेना है थर्ड नंबर, ठीक है, यानी फर्स्ट और थर्ड नंबर, इन दोनों क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पे अब आपको कौन कौन से देखने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। व्हाट स्टेप डिड द कैप्टन टेक टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगन, तो एक ये वाला देख लीजिएगा, और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, यहाँ पे आपने तीनों को याद कर लेना है। अगर देखो हाफ ईयरली में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट मेन एग्जाम जो होगा उसमें आपको इसमें ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले इस चैप्टर से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आंसर यानी फाइव, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं वो आप देख रहे होंगे, वाई वाज द हवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशंस रिस्टेंटेड, एक ये वाला देख लेना है, और एक वाई वाज टूट्स बॉडी बरिड अलोंग विथ ग्लिट टीजर्स, तो उसके बाद हाँ एक ये वाला क्वेश्चन आपने देख लेना है थर्ड नंबर वाला, ठीक है, इसको भी मैं टिक कर देता हूँ। जितने क्वेश्चन बोल रहा हूँ अगर इतने आप तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट पेज में पहले मैं इसको हटा देता हूँ जो भी हमने पिछले पेज के लिए लिए थे। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं। कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ अर्थ विद द यूरोपियन व्यू ऑफ इन द ब्रिथ, एक तो ये आपने सेकंड वाला, सेकंड और थर्ड नंबर, इन दोनों क्वेश्चन को आपने देखना है। पेंटर्स डॉटर द पेंटर डिड नॉट एक्सेप्ट हिम टू हिम एज हिज सन ऑफ लॉ एज ही वॉज अ ब्लैक स्मिथ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो अगर मैं कंटिन्यू इतना बोलूंगा तो आपको पता है अगर कंटिन्यू बोलते रहा तो ज्यादा टाइम तक आवाज नहीं रहने वाली है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, बस आप उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आपके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं, पहले तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये वाला। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर नीचे इसका सॉल्यूशन भी दिया है, इस पूरे सॉल्यूशन को आपने कोशिश करेगा, स्टोरी पढ़ लोगे तो स्टोरी में आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन वीडियो को रोक करके आपने इसको पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन दिख रहा है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, इसको इनको भी आपने अच्छे से देख लेना है। हैव यू कम बैक, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपका 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो पूरा क्वेश्चन और आंसर आपके यहाँ सामने है, तो इसको आप स्क्रीन आराम से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको ले चलते हैं, ये वाला तो हो चुका है आपका, ये भी मैंने आपको बता दिया है और ये भी अभी हो गया था, ये भी अभी मैंने बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कौन कौन सा देखना है, एक तो देख लेना है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। यहाँ पे आपको ये तीनों शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, इन तीनों को आपने अच्छे से याद कर लेना है, ये ज्यादातर एग्जाम में आपके इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और ये जो है आपका लास्ट पेज है इस पेपर का, तो इनमें आपको ये दोनों ही आपने देखने हैं, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। देखो फोर्थ नंबर आपके हाथों में आ रखा है, यानी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है पूरे क्वेश्चन आंसर को। इसी के साथ बच्चों जो आपके सारे पेजेस थे और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं समाप्त। आई होप इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते तो आपको फाइनल ईयर में भी आपको ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जहां जो चीज समझ में नहीं आएगी वो जरूर आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है एक दो वर्ड में आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आई हो, तो उसके लिए भी माफी चाहूंगा। बाकी जहां आपको अच्छे से समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये वाला टॉपिक दोबारा बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की। और अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लेकर के आइए। और फिर से एक रिक्वेस्ट, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास इजिली पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।